सच साहस सरोकार। वाराणसी दौरा, सीएम योगी ने कई कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। लखनऊ में वार्षिक आम सभा का आयोजन, मुख्य अतिथि के रूप में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह रहे मौजूद। सुल्तानपुर में सीताकुंड में भरत यात्रा का भव्य स्वागत, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। बुलंदशहर में भटोना गांव में चल रहा था लिंग परीक्षण, खेल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया खुलासा। अमेठी में पॉलिटेक्निक छात्र के साथ रैगिंग, 3 छात्र हुए गिरफ्तार। नमस्कार, मैं ईशा भार्गव और आप देख रहे हैं प्राइम उत्तर प्रदेश। तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी का दौरा किया। आपको बता दें कि सीएम योगी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यहां योगी ने 7 सामुदायिक जेटी का लोकार्पण किया और 8 जेटी का भी शिलान्यास किया। गंगा नदी पर जेटी का लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, काशी के विकास कार्यों में तेजी आई है, जल परिवहन से सड़क से लोड कम होगा, साथ ही कई लाभ मिलेंगे, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। लखनऊ में ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। गोमती नगर के पास एक होटल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि मुख्य अतिथि के रूप में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने शिरकत की। साथ ही परिवहन मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एनसीआर में गाड़ियों की आवाजाही पर जो टैक्स देना पड़ता है उसे हमने खत्म ही कर दिया है। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों के पालन करने में हम अन्य राज्यों से काफी पीछे हैं। व्यवसायी जो पूरे प्रदेश के मुख्य संस्था है अपनी, उसके झंडे के तले आज एकत्रित हुए हैं बहुत दिनों के बाद। एक और जहां सरकार का, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का और प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी का धन्यवाद देने के लिए इकट्ठा हुए हैं, वहीं दूसरी ओर जो अपनी कुछ समस्याएं हैं अभी भी, चाहे वो परमिट व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे वो रोड टैक्स से संबंधित हो, और या जो एक बड़ा विषय आ रहा है कि आगे आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों का समय ज़्यादा आएगा, तो ऐसे में प्राथमिकता पर जो परिवहन व्यवसायी है उसको सर्विस केंद्र खोलने के लिए या चार्जिंग स्टेशन खोलने का अवसर मिले। खबर सुल्तानपुर से है, जहां चित्रकूट के लिए निकली भरत यात्रा यात्री में सीताकुंड पहुंची। श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ ने रैली का भव्य स्वागत किया। भरत यात्रा का नेतृत्व कर रहे महंत कमल नयन दास महाराज ने कहा कि भगवान श्री राम हम सबके आदर्श हैं, उनके परिचिन्हों पर चलकर राष्ट्र के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं। आइए भरत जी महाराज, आज 50वां वर्ष है। समय की विषमता को देखते हुए, झंझावात को देखते हुए, विघटनकारियों की शक्तियों को बढ़ते हुए देख करके पूज्य श्री गुरुदेव भगवान, पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ने यह भरत यात्रा प्रारंभ की। जिस प्रकार से प्रेमोदय श्री भरत जी महाराज अयोध्या का जब राज गेंद की तरह बन जाता है, एक भाई दूसरे के भाई के पाले में, दूसरा भाई दूसरे के, ऐसे समय में प्रेमोदय भरत जी महाराज भैया राम को मनाने के लिए चित्रकूट जाते हैं। खबर कानपुर से है, जहाँ जाजमऊ की शालीमार टैनरी के सेप्टिक टैंक की सफाई करने उतरे 3 मजदूरों की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई। मजदूरों को इलाज के लिए हेलेट में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने सभी को मृत घोषित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। टैनरी मालिक पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। करने गया था, कैसे पता चला? अजय सिंह चंदेल सागरपुरी के रहने वाले, इन्होंने भेज दिया शालीमार
पेंडरी में काम करने के लिए, वहाँ पर ड्राइवर और दो हेल्पर तीनों गए और जा करके तीनों की एक साथ मृत्यु हो गई है। या और उनके दो हेल्पर थे, पहले वहाँ पे जाजमऊ से फोन आया मालिक के पास कि यहाँ यहाँ पे इधर पे कुछ काम है, इनको भेज दीजिए एड्रेस। उन्होंने उनको मालिक को दिया, तो इन्होंने फिर सत्यम भैया कॉल किया और दोनों हेल्पर को कॉल किया, तो ये लोग यहाँ से, हाँ ये दोनों यहाँ से गए। फिर वहाँ पे शाम को ये लोग गए, 3 या 4 बजे यहाँ से चले गए। वहाँ पे फिर जो भी कुछ हुआ, फिर वहाँ पे इन्होंने एक एम्बुलेंस या किसी उसको। खबर गोरखपुर से, जहां ट्रांसपोर्टर मालिकों से धोखाधड़ी कर रहे 3 शातिर जालसाजों को कैंट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ट्रक का नंबर प्लेट बदलकर सभी आरोपी कई दिनों से जालसाजी की वारदात अंजाम दे रहे थे। ट्रांसपोर्ट के कीमती सामानों को कम दामों में बेचकर लाभ कमाते थे। आरोपी के पास ट्रक से 72,000 रुपये नकद और ट्रांसपोर्ट के कई कीमती सामान भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये एक ठेकेदार का माल ये लेकर गए थे लोग ट्रक से, जिसमें दो लोग थे, रियाजुद्दीन पुत्र शब्बीर निवासी ये सीतापुर के रहने वाले हैं, और इनका खलासी है आकाश, वो भी सीतापुर का रहने वाला है। यहाँ से लोग माल हल्द्वानी के लिए लाद कर कहकर ले गए, और ये माल ले जाकर शाहजहांपुर में कबाड़ी को उन्होंने बेच दिया। गोरखपुर में भर्ती की तैयारी कर रहे युवक मामली कहासुनी में एक पक्ष के लोगों ने लाठी डंडों से मारपीट और फायरिंग की, जिसमें कई लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, और एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने सभी आरोपियों के गिरफ्तारी के आदेश भी जारी कर दिए हैं। फोर्सेज में भर्ती होने के लिए बच्चे तैयारी करते हैं, इस गांव के बच्चे भी कटहरा जगह कोई है, जहाँ जाते हैं वहाँ दौड़ते हैं, आपस में अभ्यास करते हैं। वहीं वेद प्रकाश और जय हिंद दो ऐसे हैं जिनके बीच किसी बात को लेकर तू तू मैं हुआ, लेकिन वो झगड़ा शांत हो गया। उदय प्रताप यादव बीएसएफ का जवान है, वो गोली मारा है, मेरे भाई के पैर में गोली लगी है। हाँ, और उसके बाद ये सब लाठी डंडा लेकर ऊपर चढ़ गए थे पूरा मारने के लिए। वो पक्ष इतना पक्ष है, और कट्टा लेकर भी सब कुछ, वो सब तैयार थे। खबर फतेहपुर से है, जहाँ दिगरुहा पावर हाउस में संविदा कर्मचारी के पद पर तैनात लाइनमैन से जेई बसंत लाल ने फोन पर अभद्रता की। संविदा कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं ने गालीबाज जेई को निलंबित करने की मांग की। साथ ही कर्मचारियों ने जेई के खिलाफ सख्त कार्रवाई ना करने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन की भी चेतावनी दी है। बैठे हुए हैं लगातार, ये हमारा 5वां दिन है, 3 दिन हम बिंदकी उपखंड में बैठे रहे, उसके बाद 2 दिन से लगातार हम यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी समस्या ये है कि 33/11 के भी उपकेंद्र डिघरुआ बबई में तैनात अवर अभियंता श्री बसंत लाल जी द्वारा हमारे एक संविदा कर्मचारी को अभद्र तरीके से गाली दी गई है, और हम पावर कारपोरेशन के आला अधिकारियों से मांग करते हैं कि ऐसे अधिकारी को तत्काल प्रभाव से या तो निलंबित किया जाए या तो मंडल से बाहर उनका स्थानांतरण किया जाए। बुलंदशहर में हरियाणा और हापुड़ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोक के कातिलों का पकड़ लिया है। आपको बता दें कि भटोना गांव में काफी दिन से लिंग परीक्षण का खेल चल रहा था। इस घटना में 4 महिलाओं समेत 6 दलालों को गिरफ्तार किया गया है। ये घटना तब सामने आई जब हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने एक गर्भवती महिला को ग्राहक बनाकर भेजा, तो लिंग परीक्षण के खेल का खुलासा हुआ। प्राप्त जानकारी के हिसाब से हरियाणा की टीम को सूचना मिली थी हापुड़ में कुछ लोगों को, कुछ महिलाओं का सेक्स डिटर्मिनेशन करा गया, हापुड़ में इकट्ठी हुई थी वो महिलाएं। तो उसी क्रम में वहाँ उन महिलाओं से जानकारी पता लेने पर उनको पता चला होगा कि भटोना के गाँव के किसी घर में उनकी जाँच की गई। ये PNDT की टीम है, और एक बहुत बड़े मामले का आज पर्दाफाश हुआ है।
आज तक हमने एक बंदे दो बंदे को पकड़ते हुए देखा है। ये सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, लिंग जांच के लिए यहाँ आते हैं और थोक में आते हैं। हमने ये है कि हरियाणा से कुछ लेडीज़ जो थी और एक हमारा डिकॉय था, वो यहाँ सेक्स डिटेक्शन के लिए, इनका पूरा था पहले गुड़गांव से चले दिल्ली बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर से गाजियाबाद, गाजियाबाद से पूरे घूमते हुए हापुड़ में HPDA ऑफिस के सामने ये लोग इकट्ठे हुए। वहाँ इनको एक गुलावटी से गाड़ी आई जो इन्हें यहाँ से ले जाकर गुलावटी में जाके इन लोगों का SD कराया और फिर इनको यहाँ छोड़ गई। खबर कासगंज से है, जहां होमगार्ड सुरेश चंद्र ने कुछ दिन पहले निजी अस्पताल में स्टोन का ऑपरेशन कराया था। होमगार्ड ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन के बाद उसकी लेफ्ट किडनी अस्पताल में डॉक्टरों ने निकाल ली। वहीं पीड़ित होमगार्ड ने पुलिस के आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। घटना हुई है, मेरे साथ मेरे दर्द हुआ था तो मुझे बताया, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो बताया कि पथरी है। पथरी का ऑपरेशन मैंने अलीगढ़ परी हॉस्पिटल में कराया था। फिर क्या हुआ उसके? उसके बाद मेरे दर्द हुआ आठ महीने बाद तो मुझे, मैंने फिर अल्ट्रासाउंड कराया तो मालूम पड़ा एक किडनी गायब है। मेरी किडनी गायब है। खबर बुलंदशहर से है, जहां तांत्रिक का काम करने वाला युवक एक महिला को बहला फुसला कर अपने साथ लेकर फरार हो गया। पीड़ित पति ने कोतावली सयाना में तांत्रिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। SSP ने दर्ज तहरीर के आधार पर तांत्रिक की गिरफ्तारी के सख्त निर्देश जारी किए। अमेठी के संजय गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र 7 सीनियर छात्रों ने कमरे में बंधक बनाकर मारपीट और अश्लीलता की। पीड़ित छात्र के परिजनों ने कमरोली कोतावली में शिकायत की, जहां पर कोई ना होने पर पुलिस अधीक्षक इलमारन से शिकायत की गई, जिन्होंने उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए 3 छात्रों को गिरफ्तार किया है। तो वही घटना के बाद से फरार चल रहे एक छात्र के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया गया है। आपने इसकी शिकायत कहीं की? जी, हमने की थी इसकी शिकायत कॉलेज में भी और वहाँ पर थाने में भी है। संजय गांधी पॉलिटेक्निक में है, एक रैगिंग का मामला प्रकाश में आने पर 4 छात्रों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें से 3 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। अमेठी के ग्राम पंचायत में बने सामुदायिक शौचालयों में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि सामुदायिक शौचालय में ताले लटके, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं DPRO श्रीकांत यादव ने सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि सामुदायिक शौचालय में ताले लगे मिले तो संबंधित अधिकारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। केयरटेकर को वेतन ना देने पर उन्होंने बताया कि सभी सामुदायिक शौचालय के केयरटेकर को प्रति माह 6,000 रुपए की धनराशि जारी की जा रही है। जो है 682 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण हर ग्राम पंचायत में ये बनाया गया है और सभी में जो है मानदेय का भुगतान कराया जा रहा है। अगर कहीं कोई सामुदायिक शौचालय क्रियाशील नहीं पाया जा रहा है या केयरटेकर द्वारा कोई लापरवाही की जा रही है तो उसके मानदेय भी रोकने के लोग कार्रवाई करते हैं। क्या मानदेय दिया जा रहा है? मानदेय 6,000 रुपया उनका मासिक मानदेय है और 3,000 रुपये उसके साफ सफाई और संचालन के लिए पेमेंट किया जाता है। ऐसे हमने सैकड़ों शौचालय देखे हैं जो बंद पड़े हुए हैं और उनके भुगतान किए जा रहे हैं। नहीं मिला। 13 महीने से पैसे नहीं मिले आपको? नहीं। तो इसके लिए शिकायत की आपने? हाँ, शिकायत की है मैंने। किससे की? प्रधान से। जी, और किसी से? सेक्रेटरी से या जिलाधिकारी से? किसी से की शिकायत? ब्लॉक से। तो क्या कहा गया? क्या कहा गया कि अभी मिलेगा लेकिन मिल नहीं रहा है पैसा।
तो क्या तो कैसे फिर गुजारा कर रही, कैसे कर? गुजारा हम कर रहे हैं, किसी तरह गरीब इंसान है, बच्चों को पाल रहे हैं। प्राइम उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।